से अधिक हो तो बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो ही जाता है। इस भय से झंझारपुर और मधुबनी के विभिन्न इलाकों में भय का हुआ है। खेती गृहस्थी पहले से ही प्रभावित होने लगी है। लोग एहतियातन घर का सारा सामान जुटाने में लग जाते हैं। फिलवक्त मधुबनी जिले के इलाके में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। कमला अवधारा समूह सहित सभी नदियाँ उफान। तमाम सतर्कता के बावजूद कमला तटबंध की कमजोरियाँ सामने दिखने लगी है। इस परिस्थिति में बाढ़ आने और तबाही मचाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दूं कि मधुबनी में बाढ़ की विभीषिका आजादी के 70 सालों बाद भी जस की तस बनी हुई। बिहार सूबे के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार है मधुबनी। जिले में कमोबेश विभिन्न हिस्सों में अक्सर बाढ़ आती है। कमला, कोसी, बुधी, बलान, सुपेन, गेहुमा सहित अवधारा समूह की दर्जनों छोटी बड़ी नदियां प्रत्येक साल बरसात के समय उफान पर होती है और बाढ़ लाती है। इन नदियों से प्रत्येक साल बाढ़ आने के कारण कोसी दियरा सहित कई सुदूर इलाकों में आज भी सड़क संपर्क नहीं बन सका है। बरसात थमने के बाद प्रत्येक साल लोग आवाजाही के लिए चचरी का पुल बनाते हैं, लेकिन बरसात के समय आने वाली प्रत्येक साल की बाढ़ में चचरी का पुल ध्वस्त हो जाता है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले में बहने वाली सभी नदियां का उद्गम स्थल पड़ोसी देश नेपाल का तराई क्षेत्र है, जहां काफी मात्रा में बारिश होती है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में जब पानी भरकर नेपाल के आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है, तब नेपाल द्वारा लाखों क्यूसेक पानी भारत की ओर बहने वाली नदियों में छोड़ दिया जाता है। इस साल 9 से 14 जुलाई के बीच नेपाल के तराई क्षेत्र सहित मैदानी इलाकों में भारी वर्षापात की मौसम विभाग द्वारा दी गई पूर्व सूचना से बिहार सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गए। मधुबनी जिले को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने कमला नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को निर्देश 2 दिन पूर्व ही जारी कर दिया। जिस त्रासदी से लोग साल भर में उबर भी नहीं पाए कि कोरोना संक्रमण काल में फिर से पिछले वर्ष की तरह बाढ़ आने की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी, जिससे लोगों के होश उड़े हुए हैं। जिले के सीमावर्ती जयनगर में कमला नदी को रेड अलर्ट में रखा गया है। लगातार हो रही वर्षा एवं नेपाल से पानी छोड़ने के बाद नदी का जल स्तर काफी बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन हर घटना पर नजर रखी हुई है। आम लोगों से सावधान रहने एवं कुछ स्थान पर चले जाने की अपील की है। नदी के पूर्वी तटबंध पर दबाव बढ़ जाने के कारण आम लोगों में डर का माहौल है। नेपाल में धनुषा सिरहा में लगभग 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। धनुषा नेपाल में कमला नदी राइजिंग ट्रेंड पर है। कमला नदी के किनारे सतर्कता बरतने की जरूरत है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जयनगर में कमला नदी का जलस्तर 2 दिनों से कम ज्यादा हो रही है। आज दिन में क्या स्थिति थी और शाम होते ही स्थिति किस तरह बन गई, आइए जानते हैं जयनगर से हमारे संवाददाता लकी राव से। लकी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो आप हमें बताएं जयनगर में वर्तमान समय में कमला नदी की क्या स्थिति है। जैसे कि जिला प्रशासन एवं आपदा विभाग के द्वारा पूर्व से ही कहा गया है कि 9 तारीख से 14 तक भारी बारिश एवं बाढ़ आने की प्रबल संभावना है। इसी के तहत कमला नदी में कल से जल स्तर जो है कमला नदी का कभी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर आगे जाता है, कभी 10 सेंटीमीटर पीछे आ जाता है। आज सुबह में 12:01 बजे तक वो 25 सेंटीमीटर नीचे था, लेकिन जो ऐसा जानकारी मिल रहा है कि नेपाल के क्षेत्रों में ज्यादा बरसात होने एवं पहाड़ के गरजने के कारण कमला नदी का जल स्तर फिर से वार्निंग जो लेवल है खतरे के निशान के लगभग आसपास आ गया है। और जिस ढंग से खतरे के निशान पे कमला नदी का जो पानी बढ़ने के कारण जो नदी किनारे बसे हुए गांव है, खैरा माठ, कौ खौ कौ, बेलही, बेला, इन सभी गांवों में बाढ़ का जो खतरा है वो काफी बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पूर्णतः चौकस एवं मुस्तैद है। हर घटना पर जो जल कभी बढ़ रहा है कभी पानी घट रहा है उस पर पैनी निगाही रखी गई है। लेकिन इसी के साथ एक सूत्रों से पता चला है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि नेपाल में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है, यानी नेपाल में ज्यादा पानी बाढ़ से स्थिति बिगड़ी है, तो वो पानी कहीं ना कहीं हमारे कमला नदी में, कोसी में या नेपाल से आने वाली नदियों के माध्यम से हम सीमावर्ती जो भारतीय क्षेत्र में आएगी और बड़ी तबाही मचा सकती है। इसलिए लोगों के बीच में डर सा माहौल है। एक तो कोरोना, ऊपर से बाढ़,
पता नहीं और आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। जयनगर से कमला नदी की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जयनगर से हमारे संवाददाता लकी ने बताया कि कमला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, स्थिति और खतरनाक हो सकती है। आज रात में और अधिक पानी नेपाल से छोड़े जाने की उम्मीद। बेनी पट्टी के अवधारा समूह की नदियों के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। धौंस, थुम्हानी, बछराजा, खिरोई, गुड़ना सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार उफान पर। इसमें बछराजा नदी उछाल मार चुकी है, जिसके कारण अगल बगल का खेत पानी से लबालब भरा हुआ है। इधर बांधों पर एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाली गई है, जिसके कारण लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। लोग पहले से ही घर में राशन और किरासन स्टॉक करने में लग गए हैं, ताकि बाढ़ में अत्यधिक परेशानी नहीं। बेनीपट्टी में अवधारा समूह के नदियों की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं बेनीपट्टी से हमारे संवाददाता राहुल। राहुल, आप हमें बताएं कि बेनीपट्टी अवधारा समूह की नदियों में बाढ़ की क्या स्थिति है। जी देखिए, अभी नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही झमाझम बारिश से अभी बेनीपट्टी के समस्त नदियों में, अधवारा समूह के सहायक नदियों में, धौस हो या फिर थुमानी हो या फिर बछराजा हो, सभी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। और सभी एक नदी जो बछराजा नदी है, उसमें तो उफान भी आ गई है। वो उसका पानी जो है सो खेतों में जाकर के पूरा एकदम से जलमग्न पूरा खेत को कर दिया है। ऐसी स्थिति है पूरे खेत मतलब नदियों सबका। ये थे राहुल बेनीपट्टी से अवधारा समूह की नदियों के बारे में ताजा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान को पार कर गए। पिछले वर्ष टूटे सुरक्षा तटबंधों के मरम्मति पूर्ण नहीं होने से खतरा काफी बढ़ गई है। झंझारपुर आरएस बाजार की सतह से कई फीट ऊपर बह रही है कमला नदी का पानी, अब उबाल होकर आरएस बाजार की तरह रुख करने लगे। जल जमाव की दंश झेल रहे आरएस बाजार में नदी का पानी पुराने रेल सह सड़क पुल के पास सड़क होते हुए आरएस बाजार में घुस आने से लोगों की चिंताएं डबल हो गई है। पश्चिमी तटबंध पर नरवार गांव के समीप, जहां पिछले साल तटबंध टूटा था, उसके पास ही तटबंध में दरार आ गई है, जो खतरनाक। पूर्वी तटबंध पर अंधरा ठाड़ी के हरना, भदवार, रखबारी सहित अन्य गांव के पास तटबंध कमजोर होने से आस पड़ोस के लोग जगह पर तटबंध की सुरक्षा में लगे। विभागीय अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ तटबंध किनारे निरोधात्मक कार्य को अंजाम देने में प्रयास में है। बावजूद भीषण बाढ़ की खतरा बरकरार है, 3 से 4 दिन अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति पिछले वर्ष वाली त्रासदी से भी बड़ी भयानक हो सकती है। हम आपको मधुबनी जिले में बाढ़ की हालात से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।